पश्चिम ओडिशा विकास परिषद पांठर निर्माण करा जायथवा देवगढ़ महाविद्यालय प्रक्षालय को गतकाल मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा उद्घाटन करथिले। सहित परांचल छाल बहादुर बंदर पुनरुद्धार भित्तिप्रस्तर स्थापना करथिले। संध्यारे देवगढ़ महाविद्यालय परिसर में अनुष्ठित कार्यक्रम अतिथि भाव योजना और समन्वय विकास मंत्री राजेन्द्र ढोल्कि, जिला परिषद सभापति कौशिक प्रधान, जिलापाल सोमेश उपाध्याय, पराध्यक्ष शांति मजुरी मंचासन रही। एठार सूचना जोग्य जे पश्चिम ओडिशा विकास परिषद पांठर 3,91,56,700 टका व्यय निर्मित होती देवगढ़ कॉलेज प्रेक्षालय और छाल बहादुर बंदर पुनरुद्धार में 1,48,84,300 टका मंजूर कर अतिथि मैंने नवनिर्मित प्रेक्षालय बुद्ध देखते। कार्यक्रम अन्य रियामल ब्लॉक अध्यक्ष मधुसूदन प्रधान, बारकोट ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पांजलि पात्र, तिलैबणी ब्लॉक अध्यक्ष वृंदावती भोई, पश्चिम ओडिशा विकास परिषद सदस्य भूपेन्द्र प्रसाद नायक, पौर निर्वाही अधिकारी तपन महापात्र, जिला योजना उपनिर्देशक रामसेवक प्रधान और देवगढ़ महाविद्यालय अध्यक्ष सुदाम परबांबो उपस्थित रही। कॉलेज छात्र छात्री अध्यापक और अध्यापिका मैंने उपस्थित रही। देवगढ़ ओडिशा मोबाइल टीवी प्रदर्शनी करा प्लस 3 सेकंड ईयर फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट मैं माननीय मुख्यमंत्री के अशेष अशेष धन्यवाद देवी एथि आमर बहुत दिन है अटकवा आम कॉलेज ऑडिटोरियम के साहाय्य करके बनवार लगे आमको साहाय्य देखें से लगे आम मुख्यमंत्री को अशेष अशेष धन्यवाद देमु। एथि आम देवगढ़ कॉलेज स्टूडेंट मैंने आम समस्ते बहुत आज खुशी अच्छु जाओ एत दिन पर आम ऑडिटोरियम उपस्थित है। आम सब आम मुख्यमंत्री को कहूँ आम संगे से एंता ही था आम सब आम मुख्यमंत्री को बहुत भल पाई आस। साहू मैं ओडिया डिपार्टमेंट स्टूडेंट प्लस 3 फास्ट इयर आन्यवाद देवी मुख्यमंत्री को आमको भल ऑडिटोरियम दे आज प्रोग्राम भी बहुत भल था तेणु समस्त को धन्यवाद। पश्चिम ओडिशा विकास परिषद फंड द्वारा जहाँ कि विभिन्न बड़ बड़ प्रकल्प आप देखिले कॉलेज ऑडिटोरियम बंद उद्धार कार्यक्रम बोलिया बड़ बड़ प्रोजेक्ट आज लोकार्पित है, भूमिपूजन है, संगे संगे आज नुआ स्कीम जहाँ कि जेते आमर अधूरा पड़ी थिला अनकम्प्लीटेड एवं नुआ करवाई विजु सभागृह रवि आज मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लोकार्पित कर उद्घाटन कर 125 कोटी टंका व्ययवृत कराई अलगा विजु सभागृह। तो मु पश्चिम ओडिशा तरफ अशेष अशेष धन्यवाद जनाऊँ, दीर्घायु कामना करुँच। धन्यवाद, जय हिंद।